नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं आपके साथ पल्लवी वर्मा। अमेजोन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर को दर्शकों से बहुत प्यार मिला है। इस सीरीज के कई डायलॉग आज भी लोगों के जुबान पे रहते हैं, चाहे वो मुन्ना भाई का डायलॉग हो या फिर कालीन भैया का बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाने वाला सीन। लेकिन अब इस सीरीज को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है, तो आइए जानते हैं कि वो चर्चा क्या है और इस कहानी की को फिल्म के रूप में पेश किया जा सकता है। मेकर्स का प्लान है कि सीरीज के लंबे फॉर्म को छोटा बनाकर फिल्म के रूप में बड़ी स्क्रीन पर रिलीज किया जाए। इसी के साथ ये भी चर्चा है कि फिल्म में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन कालीन भैया का किरदार निभा सकते हैं। वहीं इसके बाद हम इन चर्चा पर वेब सीरीज के डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने रिएक्ट किया है। मिर्जापुर के डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने कहा है कि इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज अभी इस पर विचार और चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी वही लोग उपलब्ध करा सकते हैं। गुरमीत सिंह ने आगे कहा कि इस बारे में वो हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो ही दे सकती है। वहीं ऋतिक रोशन के कालीन भैया बनने पर हुए सवाल को लेकर भी उन्होंने वही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब तक ऊपर से कोई जानकारी नहीं आती है, वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, इसलिए फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल इतना ही नहीं, यह महज एक अफवाह है और कुछ नहीं है। मालूम हो कि मिर्जापुर सीरीज का पहला सीजन 2018 में स्ट्रीम हुआ था, वहीं सीरीज का तीसरा सीजन इसी साल रिलीज किया गया। सीरीज में कालीन भैया का किरदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। सीरीज में पंकज त्रिपाठी के अलावा अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, विक्रांत मेसी और विजय शर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे। वहीं सीरीज के चौथे सीजन को लेकर डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने कहा है कि मिर्जापुर के अगले सीजन में भी किसी भी हाल में मुन्ना भैया और शरद शुक्ला के किरदार की वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले सीजन में दोनों की मौत हो चुकी है। इस सीरीज के चौथे सीजन के लिए राइटिंग जारी है। डायरेक्टर ने कहा है कि हमने हर सीजन में एक थीम रखा है, और जैसे आखिरी सीजन का थीम था कि एक युवा राजा पागल हो जाए तो वो अपने पतन का कारण बनता है, यही चीज अली फजल के किरदार के साथ देखने को मिली। वहीं इसी के साथ सीजन 4 के लिए उन्होंने कहा कि पिछले सीजन की तरह इसमें ऐसी ही कोशिश होगी कि एक नया नजरिया दिखाने का प्रयास करें, ताकि दर्शक इससे कनेक्ट रह पाए। उधर इस खबर पर लोगों ने जो रिएक्शन दिया है वो ऋतिक के फेवर में नहीं है। ऋतिक के फैंस नहीं चाहते हैं कि वो इस रोल में नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।